बातें बना लेते हैं, लो जी इन्हें तो चैनल बनाया हुआ वा, हुण की हो गया, की बनेगा, कदों पैसे आने आ, आने शुरू हो गए आ पैसे, जो जो आपको बता रही हूँ जो मेरे सब बातें पेश आती हैं। तो इंशाल्लाह मैंने तो यूट्यूब कोई नहीं छोड़ना, मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि ये मैं जो वर्क करती हूँ ना, मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, एक दिन इंशाल्लाह मैं भी कामयाब होंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का भी लोग बहुत देर से स्टार्ट कर रही हूँ, ईशा हो रही है, ईशा की अजान, तो मैंने कहा चले लाइट भी बंद हो गई है, लाइट बंद हो गई, ईशा की अजान हो रही थी, तो आज आटा भी ख़त्म था, तो आज मैंने रोटियां भी बनाई नहीं है, बेटा गया हुआ नान लेने, और चने मैंने बनाए थे ब्लैक, कल मैंने कहा उसके साथ नान खा लेंगे और साथ चाय बनाती हूँ। तो अब लाइट जो है ना बिल्कुल ऑफ हो गई और आंधी चल रही है, सुबह से ही आंधी चल रही है, इतनी आंधी है, जब मैं आज रिपोर्ट का दूसरा दिन था गई थी रिपोर्ट देने, तो रास्ते में ऐसे काले बादल और आंधी और मट्टी धूल, बहुत ज़्यादा मसला बना आज आने जाने में, और ये कितनी ज़्यादा टेंशन है मेरे सर पे आई हुई कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। जब मैं आपसे शेयर करती हूँ लाइट आती है तो फिर खाना भी खाते हो साथ साथ, वो आपको टेंशन भी बताती हूँ। आज मैंने बताया कि आटा ही ख़त्म था, यहाँ पे आप गूंदने वाला तो कोई चीज़ थी नहीं, मैंने कहा आपको दिखाऊँ, ड्रम भी बिल्कुल खाली हो गई, हमारी सुबह मंगवाऊँगी अभी इंशाल्लाह, फर्स्ट टाइम जो आटा आएगा। तो मैंने मंगवाए नान और चने, मैंने पहले ही बनाए थे सुबह ब्लैक चने, मैंने जॉब पे जाने से पहले बना के गई थी, और शुक्र है कि वो जलते जलते बच गए, नहीं तो हांडी आज सारी खराब हो गई थी। यहाँ पर नान मैंने मंगवा लिए, ये वो लोग तो ले गए बच्चे अपना अपना, तो ये मेरा और बेटी का रह गया, तो हम लोग भी लेके चलते हैं अंदर, और चने भी डाल लिए, चने मैंने बताया था ना कि सुबह बड़ी मुश्किल से बचे हैं, तो अब मैंने पानी सारा खुश्क कर दिया, मैंने कहा इस तरह के चने ना सही लगते हैं, पहले मैं पुदर में डालती हूँ बर्फ। तो अब यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म कर लिया, क्योंकि हमारी गैस रात को चल रही थी, अभी तक तो है, ये दूध हमारा जो है ना वो गर्म हो चुका है, मलाई देखो कितनी प्यारी है, मैंने एक डब्बी जो है ना दरमियाने साल की मलाई से भरी हुई है, अब मैं उसको लगाऊंगी जाग और निकालूंगी देसी घी। तो यहाँ मैंने चने जो बनाए थे वो भी मैंने अब इस डब्बे में निकाल देने हैं, कल काम आ जाएंगे, चने दो दिन खुल जाएंगे। वैसे तो सुबह मेरा दिल करा चिकन बनाऊँ, तो ये ठंडे होते हैं खाती हूँ इसको, तो खाना खाते हैं और कमरे में चलते हैं, साथ साथ आपसे बातें भी करते हैं। पहले ये बर्फ ना डाल दो कूलर में, इधर ये दो कूलर है ना, एक बड़े वाला किचन में पड़ा रहता है, तो दूसरा मैं रात को अंदर लेके जाती हूँ, इसमें ये पहले मैं इसमें ठंडा कर लूँगी ना, बाद में फिर रात को लेके जाएंगे ना, तो इसमें फिर ये ऐसे में डाल देती हूँ, ये तो पूरा फल लिया, इसको बहुत चलाना चाहिए, बाहर लेके जाती हूँ इसको भर लो। आज तो इतना दिल उदास है ना, दिल कर रहा है कि वीडियो भी ना बनाऊं, लेकिन ये है कि आप पहले ही मेरे नागे पड़ जाते हैं, अचानक की वीडियो जो है ना बनती नहीं है, तो फिर डलती भी नहीं है, जैसे कि पिछले परसों मेरी वीडियो नहीं आई, तो फिर मैंने कोशिश की अगले दिन, मैंने कहा एक दिन नागा पड़ गया ना तो फिर मेरा दिल नहीं करता। आप लोगों को मैंने बताना था कि लोग इतनी बातें करते हैं ना ये यूट्यूब चैनल की वजह से ना, पहले तो चैनल जब मैंने बनाया लोगों ने इतनी अपने चैनल बना लिए, तो अभी ये यूट्यूब पे काम करना कोई आसान बात नहीं है, बाहर से आओ जॉब से तो आके काम स्टार्ट कर दो कि हमने आज व्लॉग में ये करना है, कुकिंग करनी है, या वैसे जो भी व्लॉग है वो बनाना है। तो पहले मैं जब यूट्यूब पे काम नहीं करती थी, मैं जॉब से आके ना शाम को 4 बजे मैं 3-4 घंटे सोती थी, तो फिर मैं उठ के तो कोई खाना शाना बनाती थी, तो अब ये है कि मैं आती हूँ ना 2 बजे, और मेरा है भी सारा फील्ड में फिरने का काम है, तो आते ही मैंने वीडियो की तरफ है ना, नींदें मेरी ख़त्म हो गई हैं, बस यही यूट्यूब की वजह से कि चलो मैं कामयाब हो जाऊँ, अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ, तो इतनी मेहनत मैं करती हूँ कि माशाल्लाह मेरा जो है ना 6,000 सब्सक्राइबर आज या कल हो जाएगा, तो व्यूज़ मेरे अभी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि लोग वीडियो पूरी नहीं वाच करते, थोड़ी सी देखी और छोड़ दी, इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएंगे, काफ़ी मुझे तो उम्मीद है कि वाच टाइम मेरा जो है ना, जैसे लोग 1 मिनट 30 सेकेंड या 2 मिनट वीडियो देखते, माशाल्लाह मेरा 3 मिनट से ऊपर चले गया है कि 3 मिनट तक लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो अब मुझे भी ये है कि मैं मेहनत करूँ, और मेहनत इतनी ज़्यादा करूँ कि मैं अभी ना एक दिन कामयाब हो जाऊँ। तो यही मैंने बताना था कि YouTube पे काम करना जो है ना वो आसान काम नहीं है, बस लोग तो बातें बना लेते हैं, लो जी इन्हें तो चैनल बनाया हुआ वा, हुण की हो गया, की बनेगा, कदों पैसे आने आ, आने शुरू हो गए आ पैसे, जो जो जिनको मेरा पता ना, मैं जब मेरे साथ जो फील्ड में काम करते हैं, बस जी किन्नी अर्निंग होंगी है, अच्छा किन्ने पैसे आए हैं, फादर पानी गिर जाना, ये बेड पर मैं बता रही हूँ, तो ये भी उनको समझाना पड़ता है कि अभी पैसे नहीं आने, अभी तो 1 साल जो है ना मैंने मेहनत करनी है, तो फिर पैसे जब आएंगे मैं आप लोगों को
बताऊंगी कि मेरे पैसे आने शुरू हो गए हैं, तो फिर कोई जाके ना जान छोड़ता है। तो मेरे जो है मेरी दोस्त वगैरह मेरी फ्रेंड्स, उन्होंने भी बड़ा कहा कि हमने कुकिंग का चैनल बनाना है, हमने ये चैनल बनाना है, हमने डिज़ाइनिंग का बनाना है, कटिंग का बनाना है, सिलाई का बनाना है। मैंने कहा आप काम करें, मेहनत करें तो आप भी इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो जाएंगी। और फातिमा मैं देख रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ना इधर, और तुमने ये पानी इसे पकड़ो, रात का टाइम है, सोना है बेड पर, उसने पानी गिरा दिया, तो मैंने इसी का बिस्तरा जो है ना इस पानी पे करना है, ये मैं बता दूं आज। इतना तंग कर रही है ना, बड़ी फिर बदतमीजियां इसकी शुरू हो जाती हैं। सारा इसने पानी में नान भिगो के ऊपर बेड पे फेंका है। तो गली में शादी हो रही थी, मैं इसको लेके गई थी, क्या मैं तुम्हें लाइटें दिखा के लेके आऊं, तो लाइटें क्या कहे अंदर ही चल शादी के बिच चल, मैं क्या चलो इधर से घर चले, तो आके जूस मंगवा के दिया और अब ये रोटी खिलाई है। तो अब इसको मैंने सुलाना है, तो फिर मैंने कोई और काम करना है। आज इतना हमारा उधर कोर्ट का काम था ना जो मैंने ऑनलाइन करना था, इधर बैठ जा मेरे से ना फिर गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, तो मेरा दुपट्टा खींच के ले गई है। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लोग समझते हैं कि लो जी है तो बस इदा ही है, कभी बाहर तो कभी घर। तो मेरे साथ एक भाई काम करते, तो बाजी तू की हंडियां रोटियां करती रहनी हर टाइम, मैं कोई चीज देखने वाली, मैं क्या तू ना देखा कर बहू। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरे सब बातें पेश आती हैं। तो इंशाल्लाह मैंने तो यूट्यूब कोई नहीं छोड़ना, मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि ये मैं जो वर्क करती हूँ ना मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, एक दिन इंशाल्लाह मैं भी कामयाब होंगी। जैसे कि मैं चैनल देखती थी व्लॉगिंग वाले, क्योंकि मैंने 2-3 साल व्लॉगिंग वाले चैनल देखे, ये तो मेरे जहन में नहीं था कि मैं भी एक दिन कामयाब। ये जैसे 6,000 मेरे सब्सक्राइबर हो रहे, मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं आता, बैठे बैठे मैं सोचती हूँ मैं अल्लाह या अल्लाह पाक। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी पहला मेरा एक चैनल था ना वो डेड हो गया, उसका ना पासवर्ड भूल गए थे, तो फिर नया चैनल बनाया, तो उस पर मैंने सबको कहा मुझे कर दें आप सब्सक्राइब कर दें। वो कर तो देते हैं सब्सक्राइब, लेकिन वो वीडियो नहीं देखते। अब मैंने किसी को भी नहीं कहा कि आप मेरा चैनल देखें या सब्सक्राइब करें, नहीं बाय बाय अभी मैंने नहीं करना, और मोबाइल भी तुम्हें नहीं मिलना। इसकी वजह से मेरा मोबाइल टूटा है परसों, वो मैंने अब दिया है उसको ठीक करने के लिए। जो मेरा टूटा हुआ मोबाइल था ना, मेरे फ़ोन आते थे व्हाट्सएप, उस पर चलता था, ऑफिस ग्रुप में मैं ऐड थी, अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आती कि मुझे कोई मैसेज आया कि नहीं आया। इसकी वजह से ना मेरा मोबाइल जो है टूट गया, तो मैंने दिया हुआ है वो ठीक करने के लिए, अब ये कम दो को मिलेगा। नहीं अल्लाह हाफिज़ मैंने नहीं अभी करना, मैं बात कर रही हूँ, मैंने मोबाइल नहीं देना, मैं बताई जा रही हूँ, चुप हो जा। तो मेरा ये बातें करने का मकसद था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये YouTube पे जो औरतें काम करती हैं ना, वो बड़ी बेचारी मेहनत भी करती हैं और बातें भी सुनती हैं। तो इंशाल्लाह कोई नहीं, ये हमारी मेहनत का फल जो है ना, ये हमें एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो जब कोई कहता है ना कि चैनल छोड़ दो, मुझे तो इतना बुरा लगता है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरा तो दिल करता मैं इससे ना कोई सलाम दुआ रखूँ ही ना। तो मेरी तरफ देख के एक टीचर, वो मैम है, उन्होंने भी बनाया, अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे। उनका भी मेरे से 1400 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन उनके भी व्यूज़ जो ना वो डाउन है, वो चले वो भी बेहतर हो जाएंगे। बच्चे जो चैनल है वो भी, उनका भी जो है ना व्यूज़ का मसला है, वो मुझसे पूछते हैं। मैंने कहा भी मैंने तो कभी ना किसी को सब्सक्राइबर कहा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, और ना ही मैंने कभी किसी को आप मेरी वीडियो देखें। जो लोग आते हैं ना चैनल पे, वो खुद ही वीडियो देखते हैं और खुद ही सब्सक्राइब करते हैं, और उनकी वजह से हमें फ़ायदा होता है। तो जब हम लोग किसी को कह देंगे जी ये साडा चैनल है तुम देखो सानू करो सब्सक्राइब, पहले मैंने ऐसे ही किया था, कोई मेरे साथ 50-60 तो हैं वर्कर जो काम करते, मैंने कहा भी ए मेरा चैनल है तुम ना इनू देखो तो सब्सक्राइब ही कर देना लाजमी। भाजी ठीक है, बाद में उन्होंने वीडियो ही नहीं देखनी। तो ये तो मसला जो है ना बड़ा ख़राब होता है। मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आप लोग भी जब चैनल बनाए ना, किसी से ना बोलें कि आप सब्सक्राइब करो, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन सब्सक्राइबर तो खुद ही आ जाते हैं। और माशाल्लाह मेरे शॉर्ट जो है ना उनकी जो है ना व्यूज़ की पोजीशन, माशाल्लाह मेरे 2 जो है ना शॉर्ट वो तो मेरे 3.5-3 लाख पे गए हैं। तो बाकी जो है मेरा कोई 30,000 पे, कोई 40 पे, कोई 60 पे, कोई 25 पे, कोई 35 पे, वो शॉर्ट वाले व्यूज़ मेरे बिल्कुल ठीक हैं, उनकी तरह ही मेरी वीडियो का व्यूज़ हो जाए ना, तो मेरा माशाल्लाह चैनल ना जो इंशाल्लाह एक दिन ग्रो करेगा। तो ये मैं आप लोगों को बातें बता रही हूँ कि आज मैं बड़ी परेशान थी, बड़ी टेंशन में थी, तो मैंने कहा चले मैं यूट्यूब का आपको बताती हूँ कि ये कितने मसले पेश आते हैं जब ये चैनल बनाएं तो काम करें। और फातिमा कह रही है अल्लाह हाफिज़ कर दो और मुझे मोबाइल दे दो। तो अब मैंने चलाना पंखा और बेड के जो है ना बिस्तरे वो लगाने, और इसको मैंने लाइट ऑफ करी तो इसको नींद आ जानी है, लाइट ऑफ करेंगे तो इसको नींद आनी, लाइट चलती रहे ना सारी रात, इसको नींद नहीं आनी। 2 दिन से इस पर पाबंदी लगी हुई है मोबाइल की, लेकिन ये अब फिर देख रही है, मैंने कहा चलो थोड़ी देर दे देती हूँ। तो चलें जी, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो आपने कमेंट्स में बताना कि आप ही आपने बिल्कुल सही बात की है। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।